खास बात इंडिया में आपके प्यार को हम करते हैं सलाम। हमने आपके लिए शुरू किया है राजनीतिक चर्चा का दौर। विधानसभा चुनाव है सामने, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीतिक चर्चा। इस चर्चा में हम आपको मिलवाएंगे पॉलिटिशियंस से, हम आपको मिलवाएंगे सोशल एक्टिविस्ट से, हम आपको मिलवाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट से। हम जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे हर बात जानने की करेंगे कोशिश। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल खास बात इंडिया को आप करें लाइक, आप करें सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सके और शख्सियतों से भी मिल सके, जिन शख्सियतों के विचार हम रखेंगे आपके सामने। राजनीतिक चर्चा में आप रहें हमारे साथ, आप दें अपने सुझाव, हम करेंगे आपके हर सुझाव का स्वागत। जी हाँ, खास बात इंडिया आपके लिए लेकर आया है राजनीतिक चर्चा। आप जुड़े रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में राजनीतिक चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। और आपको हमने बताया भी था कि हम शुरू कर रहे हैं राजनीति पर चर्चा। हमने आपको दिखाया कि हमने कैसे शुरुआत की, और इस चर्चा में ऐसे लोग आपको मिलेंगे, ऐसी शख्सियतें मिलेंगी जिनका कहीं ना कहीं समाज से ताल्लुक रहा है, राजनीति से ताल्लुक रहा है, देश दुनिया से ताल्लुक रहा है, और जो समाज के लिए कुछ करते रहे हैं। ऐसे लोगों से हम आपको मिलवाएंगे। आज हमारे बीच है एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, XMLA सोहराब अली साहब, जो रानीगंज से विधायक रह चुके हैं, और उन्होंने अपने ज़माने में तरक्की के लिए बहुत सारे काम किए। और इस बार इलेक्शन होने जा रहा है 2021, मिशन 2021, तमाम पॉलिटिक्स के लोग, सियासतदान जो है वो लग गए हैं, अब अगले चुनाव के बारे में बात करने लगे हैं। तो 2021 के चुनाव को लेकर हम लोगों ने भी राजनीति पर चर्चा, खास चर्चा हमने शुरू की है, और आज हम आपको मिलवाएंगे सोहराब अली से, और सोहराब अली साहब से ये जानेंगे कि इस चुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। सोहराब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि चुनाव 2021 में होने जा रहा है, इसे लेकर अभी से एक्टिविटीज शुरू हो गई है, हर सियासी दल जो है काफ़ी एक्टिव हो गया है, आपकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी जो है सियासत शुरू हो गई है, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। बांकुड़ा में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, वहां उन्होंने लोगों से मुलाकात की। तो आप क्या सोच रहे हैं इस चुनाव को लेकर, आप अपनी बातें बताइए, अपने नज़रिया से आप हमारे दर्शकों को ज़रा सा वाकिफ करवाइए, आप क्या सोच रहे हैं। देखिए, 2021 की तैयारी तृणमूल कांग्रेस के काफ़ी दिनों से चल रहा है। जी, बूथ स्तर से हम लोगों की तैयारी चल रही है, और जो जिस तरह से हम लोगों की तैयारी चल रही है, उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस बार 200 सीट प्लस लाएंगे। अच्छा, मतलब ऐसा आपको लगता है कि इस बार 200 सीट प्लस आ पाएंगे? प्लस 200 सीट प्लस लाएंगे हम लोग, 200 से ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से हम लोगों का जो काम है वो हो रहा है, और लोग धीरे धीरे तृणमूल कांग्रेस की तरफ जुट रहे हैं। जी, अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया था, जी जी, और उनको पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया। 34 साल CPM का राज रहा यहाँ पे, लेकिन डेवलपमेंट का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद
पंचायत स्तर से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, रास्ता घाट पानी इलेक्ट्रिफिकेशन ये टोटल काम हो रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के अंदर में कितनी यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, कितने कॉलेजेस बने हैं, मजदूरों को फ़ायदा हुआ, किसानों को फ़ायदा हो रहा है। तो ये जो ग्रास रूट से काम ममता बनर्जी कर रही हैं उसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि 200 से ज़्यादा सीटें आप लोगों को मिलेंगी इस बार। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें सोराब साहब कि एक तरफ तो आपने बताई जो आपके अचीवमेंट्स थे आपकी सरकार के, लेकिन दूसरी तरफ जो विरोधी पार्टी है भाजपा की तरफ से लगातार प्रहार किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं और नई टीम बनाई जा रही है यहाँ के लिए, मतलब यहाँ तक कि यहाँ के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह को यहाँ आना पड़ा बंगाल और वो खुद जो है इसको हैंडल कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए CPM और कांग्रेस बंगाल के अंदर में काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है और धर्म की राजनीति करने वाला लोग, सांप्रदायिक शक्ति जो है ताकत, वो चाहता है कि बंगाल में अशांति फैलाएं, हिंदू मुस्लिम को बांटें, अलग कर दें। लेकिन बंगाल का जो कल्चर है वो कल्चर अदर स्टेट से, यूपी बिहार वगैरह से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग समझदार हैं और वो लोग समझ रहे हैं कि देश के अंदर में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है। आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा वादा प्रधानमंत्री ने किया है लेकिन एक भी कोई काम उनका सफल नहीं हुआ है। उस आधार पे पश्चिम बंगाल के लोग, यहाँ के लोग हैं, समझदार हैं, जान रहे हैं, बूझ रहे हैं, तो इनको कहीं पे जगह नहीं देंगे जी। और ममता बनर्जी के ऊपर में पश्चिम बंगाल की जनता को पूरा भरोसा है और यहाँ की जनता जो है फिर ममता बनर्जी को जैसे 2011 के बाद 2016 में अब 2021 में दोनों हाथ से आशीर्वाद करके तीसरी बार हैट्रिक ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री। तो आपको लगता है कि हैट्रिक करेंगी ममता बनर्जी इस बार और तीसरी बार भी वो आ रही है सत्ता में? बिल्कुल। लेकिन विरोधियों का आरोप है कि यहाँ पे जिस तरह से वो आरोप पे आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने पूरी ऊर्जा झोंक दी है, पूरी ताकत झोंक दी है, तो और एक बात और एक फैक्टर ओवैसी साहब भी यहाँ आने वाले हैं बंगाल में, तो आपको लगता है कि अगर ओवैसी यहाँ पे आए तो इसमें लॉस होगा तृणमूल कांग्रेस को? ओवैसी साहब कोई फैक्टर साबित हो सकते हैं यहाँ के चुनाव में? सबसे पहले तो ओवैसी साहब जो हैं वो यूँ ही कहा जाए कि BJP का बी टीम है वो। जी जी। अच्छा, वो BJP की बी टीम है ऐसा आपका कहना है? अच्छा। वो हर जगह पे देश के अंदर में जहाँ पे उनके कोई शक्ति नहीं है वहाँ भी कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। उनका तो पश्चिम बंगाल के अंदर में कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कहीं पे कोई काम धाम भी नहीं है। लेकिन बिहार में उनके 5 MLA जीते हैं तो उसके बाद उनका उत्साह बढ़ा है, उनका जोश बढ़ा है कि बंगाल में ट्राई करें वो। बिहार के अंदर में उनका 5 सीट जीते हैं वो, उस किशनगंज साइड में पहले भी वो MP में कैंडिडेट लड़ा चुके थे वहाँ पे, तो उनको उसी आधार पे लोग वहाँ पर वोट दिया है। लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है, हम तो पहले ही कह रहे हैं कि समझदार यहाँ की जनता है, वो उनके झांसा में नहीं पड़ने वाली है। और मुस्लिम समाज जो भी है वो ममता बनर्जी को प्यार करती है, लाइक करती है, ममता बनर्जी को का साथ नहीं छोड़ेगी, ममता बनर्जी को ही वोट देगी। आपको लगता है कि यहाँ का इस बार जो मुस्लिम समाज है, जो माइनॉरिटी है, वो कंफ्यूज है या उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दें, ऐसा आपको लगता है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? देखिए ऐसा है कि BJP को किसी भी हाल में पश्चिम बंगाल के मुसलमान उनको वोट नहीं देंगे। तो ये मतलब आप तय, मतलब एकदम पूरी तरह से जांच के आप बोल रहे हैं कि यहाँ का मुसलमान उनको वोट नहीं देगा? वोट नहीं देगी। और BJP देश के अंदर में जिस तरह से कलफजार करा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रही है, तो
देश के अंदर में कहीं भी मुस्लिम उनको नहीं चाहती है कि ऐसी पार्टी जो है जो देश के अंदर को देश को तोड़ना चाहती है। क्या ये देश जो हमारा बहुत खूबसूरत देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम लोग मिलजुल के रहते हैं, अगर एक भी पिलर हिल जाता है तो देश को नुकसान होता है। लेकिन आरएसएस और बीजेपी इसको नहीं समझती है, वो चाहती है कि हिंदू मुसलमान को बांटा जाए और अपना राजनीति चमकाया जाए। तो यहाँ की जनता और खास करके बंगाल की मुसलमान वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी, ममता बनर्जी को खुले आम सपोर्ट करेगी और ममता बनर्जी को ही जिताएगी। जी, एक बात और मुद्दा उठ रहा है रोजगार का, क्योंकि यहाँ के यंगस्टर्स जो हैं हर कौम के लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, उनको उनका ये आरोप है, हम लोगों ने बात की कि भाई ममता बनर्जी की सरकार रही लेकिन रानीगंज की बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हैं, आसनसोल रानीगंज, तो इस पे कोई काम नहीं हो पाया। रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा होता है और यहाँ के यंगस्टर्स को रोजगार चाहिए, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मतलब आसनसोल सब डिवीजन जो इंडस्ट्रीज एरिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो नया नया इंडस्ट्रीज आया है जी। और यहाँ पे शांतिपूर्वक यहाँ इंडस्ट्रीज चल रही है, एक भी इंडस्ट्रीज यहाँ पे कोई बंद नहीं हुआ है और किसी तरह का इंडस्ट्रीज के अंदर में गुंडागर्दी नहीं है, सब लोग शांतिपूर्वक से अपना काम करते हैं और यहाँ पे जो भी रोजगार होता है वो यहाँ के लोगों को मिलता है। हालांकि यूनियन के लफड़े हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप आते हैं, यूनियन वाले खड़े हो जाते हैं, पार्टी के लोग खड़े हो जाते हैं, इतना डोनेशन दो, इतना चंदा दो, इस तरह की नहीं, इस तरह का कोई बात नहीं है, ये इल्ज़ाम है और जो अपोजिशन है वो इल्ज़ाम आयद करते हैं। पश्चिम बंगाल बहुत शांत एरिया है, पश्चिम बंगाल में हम तमाम जात के लोग एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होते हैं। अभी छठ गया, देखिए मुसलमान हिंदू सब लोग मिलके छठ पूजा मनाए, दीपावली गया उसमें भी सब लोग मिलजुल के मनाए, ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम मिल के मनाते हैं, दुर्गा पूजा के समय में हम लोग मिलजुल के, यहाँ पर हमारा बगल में दुर्गा पूजा होता है, यहाँ पर हर त्यौहार के लोग, कमेटी में मतलब मुसलमान ज़्यादा है, हिंदू कम है, तो मतलब मिलजुल के ही त्यौहार मनाते हैं हम लोग। तो इस जो वातावरण है पश्चिम बंगाल के अंदर में, इसको बिगाड़ने का काम जो है बीजेपी चाहती है करे, और जो हम समझते हैं कि इसमें वो सफल नहीं होगा। ऐसा आपको लगता है कि यहाँ के लोगों को वो खींचने की कोशिश कर रही है, यहाँ के कुछ मुसलमानों को भी, वो बीजेपी की तरफ से भी माइनॉरिटी मोर्चे बनाए गए हैं, माइनॉरिटी मोर्चा बनाया गया, अभी बात हो रही थी मेरी नाजिया इलाही खान है, उनसे बात हो रही थी कि नहीं यहाँ के मुसलमान इस बार चेंज हो जाएंगे, यहाँ के मुसलमान बीजेपी की तरफ आएंगे, तो आपको लगता है कि वह यहाँ के दिमाग चेंज नहीं हो पाएगा? चूँकि अभी वक्त है, इलेक्शन में 2021 में चुनाव होना है, मुझे लगता है अभी 3-4 महीने का वक्त है, तो ऐसे वक्त में क्या ऐसा आपको लगता है कि मुसलमानों का दिमाग फिर सकता है कि चलो भाई बीजेपी को ही दें? बिल्कुल नहीं जी। देश के अंदर में NRC, CAA, 3 तलाक, कितने तरह का मुद्दा जो सामने में है, उसको देखते हुए मुसलमान कभी भी बीजेपी के सपोर्ट में नहीं आएंगे जी। मतलब चलिए, सोराबली साहब का कहना है कि इस बार मुसलमान किसी भी तरीके से वो बीजेपी के बातों में नहीं आएंगे, उनके झांसे में नहीं आएंगे, वो पूरी तरह से ममता बनर्जी के साथ हैं और तृणमूल कांग्रेस के साथ हैं, इनका कहना है, जो हमारे पूर्व जो है यहाँ MLA सोराबली साहब से हम बात कर रहे हैं और उनकी बातें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने पूरी तरह से ममता बनर्जी में अपना विश्वास दिखाया है और इनका कहना है कि ममता बनर्जी इस बार हैट्रिक कर रही हैं, तीसरी बार यहाँ की जो है मुख्यमंत्री बन रही हैं, और ये इनका कहना है, इनकी पेशनगोई है और इन्होंने इस तरह की बातें कही, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार ये क्या इनकी क्या प्लानिंग है, सोराबली साहब की क्या प्लानिंग है, ये चूंकि वहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं रानीगंज इलाके की, रानीगंज एक महत्वपूर्ण जगह है, एक शहर है, और इस बार क्या कहना चाहते हैं, ये हाईकमान से तक अपनी बात क्या पहुंचाना चाहते हैं, ये इस बार भी क्या चुनाव लड़ेंगे, इस बार चूंकि इनके खैरख्वाह जो हैं, इनके चाहने वाले, वो चाहते हैं कि एक बार फिर से सोहराबली आए विधायक बन के और समाज के लिए कुछ नया काम करें, तो इसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? 2011 में 49 साल CPM के शासनकाल में रहा रानीगंज, लेकिन जनता ने 2011 में मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे वहाँ का विधायक चुना। 5 साल हमने 2011 से 2016 तक बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया,
उखड़ा में 25 करोड़ का पानी का प्रोजेक्ट का काम किया, ढंडाडी में 10 करोड़ पानी का प्रोजेक्ट का काम किया, फिर अंडाल मोड़ से उखड़ा तक जो रास्ता जाता है उसका डेवलपमेंट किया 8 करोड़ रुपये का। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं, MLA फंड है, गरीबों का कपड़ा आता है, कंबल आता है, तिरपाल वगैरह आता है, तो सब गरीबों के बीच में बांटते थे, खुलेआम सब तक पहुंचता था। आपने काम किया वहाँ, समाज सेवा का काम किया, लेकिन वहाँ के लोगों का कुछ आरोप भी है आप पे। उनका ये कहना है कि सोहराब अली साहब जब यहाँ MLA थे तो उन्होंने यहाँ के विकास का कोई काम नहीं किया, इस तरह का आरोप भी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब काम पूरा हो जाता है, लेकिन 5 साल का अरसा मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा काम किया, जबकि उखड़ा में पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। 49 साल CPM की सरकार रही, उसमें कुछ नहीं हो पाया, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार में तो 5 साल के अंदर में पानी का काम हम लोग कर दिया। इस तरह का बहुत सारे काम है, डेवलपमेंट हुआ है। तो लेकिन जनता को तो हमेशा आदमी खुश नहीं कर सकता है, मैक्सिमम काम वक्त मिलता गया, काम करते गए, और इंशाल्लाह हम लोग आगे भी मौका मिलेगा तो काम करेंगे हम लोग। फर्ज कीजिए इस बार फिर आपको मौका देती है जनता, तो इस बार सबसे पहला काम क्या करेंगे? अगर रानीगंज शहर से, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र से आपको टिकट दिया जाता है तृणमूल कांग्रेस की जानिब से, तो पहला काम आपका क्या होगा? अभी भी बहुत से जगह पे पानी का प्रॉब्लम है, पंचायत एरिया में जहाँ पे पानी पहुँचाना ज़रूरी है, और ढेर बहुत सारे डेवलपमेंट का काम है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो गया। अभी 5 साल 2016 से 2021 चल रहा है, इस पीरियड में पूरा डार्क हो गया रानीगंज, मतलब जो डेवलपमेंट का काम हम लोग स्पीड में कर रहे थे वो पूरा फुल्ली ब्रेक हो गया। यहाँ का जो विधायक है CPM का रुनू दत्तो साहब, उसने टोटल काम ब्रेक कर दिया, और हमेशा घर में रहे, कभी किसी समाज से नहीं मिले, किसी लोगों से नहीं मिले। लेकिन फिर अगर जनता, यहाँ की जनता अगर आशीर्वाद दिया, तृणमूल कांग्रेस को जिताया, तो उम्मीद करते हैं कि रानीगंज जो विधानसभा है फिर से डेवलपमेंट का काम आगे काम होगा। चलिए हम दुआ करेंगे कि रानीगंज के लिए डेवलपमेंट का काम फिर से हो। और आखिरी सवाल ये है सोहराब साहब कि आप यहाँ की जनता को, चूंकि आप आसनसोल से भी जुड़े हुए हैं, रानीगंज से भी, पूरे शिल्पांचल की जनता को, और इस जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, ये बताएं। हम पूरे शिल्पांचल की जनता को एक ही बोलना चाहेंगे उनको कि किसी के बहकावे में नहीं आए। बहुत सारी पार्टियां मतलब आएंगी बीच में इलेक्शन के पीरियड में, लोगों को बहकाने आएंगे, पैसा देकर बहकाएंगे, पैसा देकर तोड़ना चाहेंगे, तो उनके बहकावे में नहीं आए, और एकजुट रहे और ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें। चलिए, इनका ये कहना था, ये आखिरी सवाल था, इन्होंने कहा, आफ्टर ऑल इन्होंने यही कहा कि ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करना है तृणमूल कांग्रेस से, चूंकि मुंसलिक हैं, जुड़े हुए हैं, तो इन्होंने तृणमूल कांग्रेस की बातें कहीं। और बहरहाल हम लोग चाहेंगे कि ये फिर से आए, प्रतिनिधित्व करें, और किसी भी क्षेत्र का कर सकते हैं, 7 विधानसभा क्षेत्र है यहाँ पे आसनसोल संसदीय क्षेत्र में, और किसी विधानसभा क्षेत्र से अगर ये प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, हाईकमान के हुक्म के बाद ये फैसला हो पाएगा। बहरहाल हमने बातचीत की XMLA रानीगंज के सोहराब अली साहब से, जो 2011 में जीत कराए थे, उसके बाद इन्हें मौका नहीं मिल पाया, वहां पे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रुनू दत्ता को मौका मिला, लेकिन विकास वहां रुक गया, ऐसा इनका आरोप है, ऐसा इनका कहना है। अगर ये रहते तो वहां विकास की हवा बहती और भी विकास का काम आगे बढ़ता। और इनका यह भी कहना है कि अगर ये जीतते हैं फिर से तो विकास के जो अधूरे काम इन्होंने छोड़े थे उन काम को फिर से कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सोहराब अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। कैमरा पर्सन बिरजी सिलाही अंसारी के साथ संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल।